कैसे सेलिब्रेट करता हूं एंड गो ऑल वॉच मनी बैक एट पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं मैं भी कर रहा हूं वजन कम आप सर ये कैरेक्टर जो है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक महंगाई हो गई है काम नहीं आ रहा आप देखिए तो हो गया अच्छा हम जाना किस यहाँ पे प्लीज आप आए Huge transformation for Bonajah and then sharing all of that for Money Back Guarantee. Shoot साथ साथ हुआ था बाद में हुआ पहले what was the process? Shoot बाद में हुआ था. We started I think 1 year after. It was a struggle to get rid of the weight. But then I went on this diet, vegan diet. And I went completely vegan. पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं exercise भी कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ वजन कम रहा है. I changed my diet, switched it around. Within a matter of months, I lost it. तमाम लोग इस कैरेक्टर को याद रखेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर जो है हर पाकिस्तान की एक इलाके में होता हो मतलब एशिया में तो होता ही होता है शॉर्ट पूरा लगे ये ना हो कि वॉक लगे उस पर थैंक यू आपका नहीं नहीं हम आए हम आपको वापस अगर आप तस्वीर यू कैन आई डोंट लेकिन हम पिक्चर भी आपके साथ देख सकते हैं Faisal will write jokes about you. And go all watch Money Back at it. मैंने शेख साहब को बोला आपको देख के मेरी एनर्जी डबल हो गई मैं जरा बिजी हो जाओ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो एंड अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाएँ इस मुश्किल वक्त में हमारी आसानियाँ पैदा हो कहना आसान है लेकिन आप इसी बात सब दुआ ही करते हैं उसे सब सब तो अफेक्ट करती है चीज़ एंड देखे जाते हैं बताएं कैसी लगी आप थैंक मनी बैक गारंटी में एक एंसेंबल कास्ट और एक पठान का रोल प्ले कर रहा हूँ एक ही गाना रटा मैं आगे भी यही है आपको ऐसा गाना जो हमें भी आता हो वो कोई अच्छा सा गाओ अच्छा मसलन कौन सा चूड़ी गाओ आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे माइक दे दे दूसरा एक में भी तन्हा थे सौ में भी अकेले ओ भाई जेन जी का गाना सुनाऊंगा यार अभी आजकल यही गाने आ रहे हैं हालात बहुत खराब है महंगाई हो गई है काम नहीं आ रहा जेन जी का उस पे क्लोजिंग जेन जी जेन जी जेन जी के कौन से गाने होते हैं ये कोक स्टूडियो टाइप की सुना दो पसूरी टाइप जो करते हो की आवाज पूरी थोड़ी नहीं हालात पूरी थोड़ी हमें पड़ी भी है अब गाने के बाद जो की नहीं है अरे पिया कहता जिया आप लोग इंटरव्यू करना चाह रहे हैं यार आप करें ना आप लोग चुप क्यों हैं बैकग्राउंड म्यूजिक आप दे रहे हैं यार इस फिल्म के गाने गाओ तो फिर मजा आएगा यार वो नहीं छोड़ मेरे यू कैन स्टैंड एंड डू ओके ओके यू कैन स्टैंड एंड डू दूसरों को देखा बहुत करते हैं बिल्कुल जी फवाद खान हमारे साथ मौजूद हैं मनी बैक गारंटी में खूबसूरत अंदाज के साथ नजर आएंगे फवाद कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो एंड अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाएँ इस मुश्किल वक्त में हमारी आसानियाँ पैदा हो कहना आसान है लेकिन आप इसी बात सब दुआ ही करते हैं उसे सब सब तो अफेक्ट करती है चीज़ एंड देखे जाते हैं बताएं कैसी लगी आप थोड़ा सा एक ऑपरचुनिस्टिक एक बैड गाय ग्रीडी थोड़ा सा मौके की तलाश में बंदा इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता अच्छा सर द लेजेंड ऑफ मौलाजा एक अलग ही जॉनर की फिल्म थी और उस फिल्म ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाए फिल्म मनी बैक गारंटी एक मेगा बजट फिल्म और ईद उल फितर की सबसे बड़ी फिल्म इसका एजाज़ है तो इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं क्या ये फिल्म जो है सिर्फ आपके नाम से ऊपर जाएगी या आपके साथ जो आपके जो कोलीग्स हैं उनकी भी इसमें एक अच्छा देखिए ये चीज़ एक बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि किसी ने सवाल किया नहीं सिर्फ एक और साहब है जिन्होंने उसे ये सवाल किया था सॉरी खातून ने उनसे एक सवाल किया था कि एक वीकेंड पे फिल्मों का इकट्ठा आना कितना अच्छा होता है कितना मुफीद होता है इंडस्ट्री के लिए कितना नहीं मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत नुकसान होता है
और जाहिर सी बात है जिसने सोचा ये सोच समझ के ये कदम उठाया होगा बिकॉज दे अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स बेटर कि जी सिनेमा हॉल्स जो हैं नॉर्मली फेस्टिवल या हॉलीडेज पे जो है भरे जाते हैं बट ये बात करना कि ये कितना करेगी मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉफिट करेगी अगर उसने ना किया तो फिर आप क्या मतलब मुझे भी कहेंगे कि मैं बोल रहा था क्या बट आई थिंक ये टाइमिंग बाकी रिलीजेज एंड कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को वो डिक्टेट करती है इस चीज़ को तो मैं कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इस तरह के सर्कमस्टांसिस में बट मुझे उम्मीद है कि दिस फिल्म विल डू वेल एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे कि प्रॉफिट में जाए और बहुत सारा प्रॉफिट कैसे सेलिब्रेट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ईद कैसे सेलिब्रेट करते हो बेटा अब तो खुद कमाता है तू खुद अपनी जेब से अपने आप को ईद दे अब तो छोटे पुसे आ गए अच्छा सर भी कर ले तो ज्यादा साल मिलेगा चले मैंने उनको काट दिया बाबा थैंक यू मेरे फोन से नहीं है ना घूम ही बहुत एक ले ले भाई ले लो लेनी है तुझे सर मैडम सही नहीं आई थी मैडम मैं भेज ही दूंगा सर एक और मैं पिक्चर लेता हूं ना चलते निकल हम वीडियो कर रहे हैं अच्छा नहीं आ रहा हूं मैं तो नहीं चाहेगा आप ही दो एक दफा नहीं आप लोगों ने दो दफा देखनी कम से कम जरूर चलो चार कर लो ना तेरी ना मेरी पांच डन हो गई हो गई हो गई ये